केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर अब सूबे में सियासत गरमाती दिख रही है। तीर्थ पुरोहितों, संतों से लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन किया, जिसके बाद से ही इस मंदिर का विरोध शुरू हो गया है। साथ ही सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर को लेकर इन दिनों सियासत अब गरमाती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में बन रहे भगवान केदारनाथ की नकल पर मंदिर का जो चर्चा आई है, मैं पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी इसका घनघोर विरोध करता हूँ, क्योंकि भगवान केदारनाथ की अथवा जितने भी अपने पौराणिक ऐसे सिद्ध स्थल हैं जहाँ स्थान का महत्व है, मंदिर का उतना महत्व नहीं है जितना उस स्थान का महत्व है। केदारनाथ स्थान का महत्व है, वहाँ भगवान शिव शिला के रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं, बद्रीनाथ में भगवान ने स्वयं तपस्या की है। ऐसे भारत में जितने पौराणिक हमारे स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, उनकी डुप्लीकेट या उनकी नकल नहीं हो सकती है। और ये दुर्भाग्य है भारत का कि सनातन हिंदू धर्मावलंबी अपने को कहने वाले ही हमारी सनातन संस्कृति का मखौल बनाने में लगे हैं। आज आवश्यकता है कि इस प्रकार का जो ये मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज हमारे षड्दर्शन साधु समाज को, तेरे अखाड़ों को, पूज्य शंकराचार्यों को, सभी मत संप्रदायों को मिलकर एक धार्मिक आचार संहिता बनानी चाहिए कि किस प्रकार के मंदिर बनने चाहिए। मंदिर का विरोध नहीं है, मंदिर बनाइए, खूब बड़ा बनाइए, अच्छा बनाइए, किंतु केदारनाथ या किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल की, जिस प्रकार से इस्लाम में काबा का डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, वेटिकन सिटी का नहीं हो सकता है, स्वर्ण मंदिर का डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, वो स्थान का महत्व है, इसी प्रकार से आज एक आचार संहिता बनाने की आवश्यकता है। धार्मिक आचार संहिता जो निश्चित करेगी कि कौन धर्मगुरु बाबा हो सकता है। आजकल ये बाबाओं का भी पाखंड बहुत चल रहा है, और धर्म की व्याख्या और धर्म के बारे में कौन निर्णय ले सकता है। आज एक धार्मिक आचार संहिता बनाना बहुत आवश्यक हो गया है, और उसको कहीं ना कहीं कानून के दायरे में भी लाना होगा। ये जानकारी मिली है कि कुछ लोग, उनके जो भी कारण हों, उन कारणों से भगवान श्री केदारनाथ जी, जो कि हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, और केदारम हिमवत पृष्ठे कह करके जिनको हिमालय में जिनका पता बताया गया है, उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर वो श्रद्धालु हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, लेकिन जो मंदिर जहां है उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके, और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आ करके पूजा कर लें और उनको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। जैसे जो कोई अपराधी किसी का वेश धारण करके अगर किसी के सामने पहुंच जाता है और वहां पर ये कहते हुए कि मैं वही हूं कार्य करता है, तो जैसे अपराध माना जाता है उसी तरह का ये कार्य है, ये ठीक नहीं है। और शास्त्रों में, शिवपुराण आदि में, जहां पर ये बताया गया है कि केदारम हिमवत पृष्ठ है, इसका मतलब केदार जो है हिमालय के पृष्ठभाग में है, तो जो पता हिमालय का बताया गया है, अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा, तो ये लोगों में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न करेगा, इसलिए इस तरह का कार्य करना उचित नहीं है। केदार घाटी के हमारे जो श्रद्धालु इस बात का विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और आगे जब जब किसी भी शास्त्र की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को इस बात का पता चलेगा तो वो भी निश्चित रूप से कहेगा कि ऐसा न किया जाना चाहिए। इसीलिए हम आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह के विचार को त्याग दीजिए,
किसी और रूप में, किसी और नाम से भगवान की आप आराधना करिए, वहाँ पर बहुत दिव्य भव्य मंदिर बनाइए, उसमें लोग आकर्षित हों, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन केदारनाथ या केदारेश्वर के नाम से अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि जो केदारेश्वर हिमालय वाले में नहीं जा सकेगा वो यहीं आ जाए, इस तरह की जो बात है वो बिल्कुल अनुचित है। इसको त्याग करके इस विचार को भगवान की आराधना के लिए जो सही मार्ग है उसको सब लोगों को अपनाना चाहिए, यही हमारा कहना है। जय बद्र विशाल, जय बाबा केदार। आज मेरे सनातन धर्म रक्षकों, बहुत दुखद विषय, इतना दुखद विषय कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि भगवान केदार बाबा, केदारनाथ जी कहाँ हिमालय में वास उनका, जहां पर भारत ने विश्व भर के हर हर महादेव को बोलने वाले, हर हर महादेव को पूजने वाले सभी सनातन धर्म के रक्षक दुर्गम रास्तों से होते हुए भगवान केदारनाथ जी को प्रणाम और उनकी पूजा के लिए जाते हैं। आज बहुत दुख, एक बड़े षड्यंत्र के तहत दिल्ली के एक छोटी सी जगह पर कुछ बड़े षड्यंत्रकारियों ने केदारनाथ धाम को बसाने का दुस्साहस कर रहे हैं लोग। मैं आप लोगों के माध्यम से सनातन धर्म रक्षकों, हर हर महादेव, आपको भगवान शंकर की सौगंध, आपको भगवान शिव की सौगंध, आपको भगवान केदार की सौगंध कि केदारनाथ जी की पवित्रता को जान होते हुए हम कभी खराब नहीं होने देंगे। और दिल्ली में जो लोग केदारनाथ धाम के नाम से षड्यंत्र के तहत, मैं इन लोगों का नाम का खुलासा करूंगा, उत्तराखंड के और दिल्ली के कौन से राजनीतिक लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, मैं उनके नाम का अगली बार खुलासा करूंगा, चाहे वो कितने भी बड़े नेता हों, किन कारणों से धन लोभ पैसा कमाने के लिए भगवान केदारनाथ को दिल्ली में स्थापित करने का दुस्साहस किया जा रहा है। और ऐसा हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। पूरे विश्व के भगवान केदार में आस्था करने वाले, बताइए आप, जहां शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने समाधि ली, उस स्थान पर भगवान केदार का पवित्र स्थल है, करोड़ों लोग आस्था से भगवान केदार को नमन करते हैं, और कुछ लोग एक षड्यंत्र के तहत, एक कुछ लोग सनातन संस्कृति को धूमिल करने के लिए भगवान केदारनाथ को दिल्ली की एक गली में बसाने का दुस्साहस कर रहे हैं।